नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज हमारे साथ है एस ईवी के कस्टमर, जिनसे आज हम आपको मिलाने वाले हैं और खासकर इनका फीडबैक जानेंगे इस गाड़ी के बारे में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नारायण यादव है, मैं इसको 8 महीने से चला रहा हूँ। तो सर, अभी ये जो गाड़ी है चलाने के लिए किस लगती है? अच्छी लग रही है, ऑटोमेटिक है। अभी आप इसे चला रहे हैं कंटिन्यूसली, तो सिटी वगैरह में कैसी चलती है गाड़ी? सिटी में काफी अच्छी है चलाने में। और खासकर दोस्तों, ये जो गाड़ी है ये DTDC कुरियर सर्विसेज से बिलोंग करती है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस में इसका काफी बड़ा नाम है। और खासकर ये जो गाड़ी है DTDC की फ्लीट की गाड़ी है। तो अभी आप जब चलते हैं सर गाड़ी दिन भर, तो आपका कैसा शेड्यूल होता है, मतलब आप कितने बजे गाड़ी लोड करते हैं? सुबह सुबह 12 बजे लोड होती है गाड़ी, शाम को 10 बजे घर जाती है। मतलब 12 से 10 का इसका टाइमिंग है टोटल। और कितना किलोमीटर चलती है एक दिन में गाड़ी? 120-130 के करीब चलती है। 120-130 किलोमीटर चल जाती है 100% चार्ज पे? 100% लोड कितना होता है? 600-700 kg आराम से खींच, आराम से खींच लेती है। जब आप लोड करते हैं गाड़ी में, तो आपको कुछ लगता है कि रेंज वगैरह कम पड़ रही है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, लोडिंग खींचने के टाइम पे भी उतनी भागती है। अच्छा, जितनी है एम्प्टी के टाइम पे जितनी भागती है, मतलब कि गाड़ी एम्प्टी हो या भरी हुई हो, आपको पिकअप में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने के लिए नहीं मिलता है। तो सर, कैबिन में बैठक होता कैसी है इसकी? अच्छी है ना, कंफर्टेबल है। अच्छा, और इसे चार्ज करने के लिए कितना समय लगता है? इसको 7 से 8 तास लगता है। तो जब आप घर पे चार्ज करते हैं 7-8 घंटे, तो उसके बाद दिन में आपको कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती इसकी? नहीं। कभी आपने बाहर का कोई चार्जर यूज़ किया है, मतलब कभी आपका ऐसा हो गया होगा चार्ज आपको बाहर करने से जरूरत पड़ी होगी? तो नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं पड़ती दिन भर। तो देख सकते हैं कि मतलब जो टाटा मोटर्स क्लेम करती है रेंज के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं सही साबित यहाँ पर हो रहा है। सर, अभी आपने पिछली गाड़ियाँ चलाई है और ये गाड़ी चलाते हैं आप, तो आपको क्या फीलिंग आती है, मतलब कैसा लगता है? ये जो डाला है कंपनी बना के दे रही है जी, जो कंटेनर बॉडी बन रही है कंपनी की, कंपनी दे रही है बना के। अच्छा, इसलिए हमको बाहर बनाने की जरूरत नहीं, और इसका वेट भी कम है बॉडी का। अच्छा, तो एल्यूमिनियम बॉडी होने के कारण आपका मतलब वेट भी कम होता है। हाँ। और मतलब ऑपरेटिंग में आप मतलब ज्यादा लोड इसमें कैरी कर पाते हैं, रेंज आपको अच्छी मिल पाती है। इसका सस्पेंशन कैसा है? सस्पेंशन अच्छा है इसका। हम जिस जगह पे, ये खासकर बूटीबुरी MIDC है, बूटीबुरी जो MIDC है नागपुर का, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क आप मान सकते हैं। यहाँ पर कई सारे कंपनीज के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है, और ये जो गाड़ी है इंडस्ट्रियल लोड ज़्यादा कैरी करती है इसमें। इंडस्ट्री, तो अभी हम एक कंपनी के सामने ही खड़ी है। अभी इस गाड़ी का हम रेंज टेस्ट करने वाले हैं इसके पेलोड कैपेसिटी के साथ। इस गाड़ी की जो पेलोड कैपेसिटी है ये 750 किलोग्राम की है, यानी कि 750 किलोग्राम पेलोड इसमें आता है, और हमने इसमें पेलोड कैपेसिटी तक ही लोड किया है। और साथ ही साथ इस गाड़ी में शूट शुरू करने से पहले 97% चार्जिंग थी, तो हमने कुछ समय के लिए इसे फिर से चार्ज किया 100% कंप्लीट करने के लिए। थोड़े समय में 100% चार्ज पूरा हो गया और हम चल पड़े रेंज टेस्ट करने के लिए। ये जो गाड़ी है खासकर इंडस्ट्रियल लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आती है, और साथ ही साथ हम इस गाड़ी को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे थे, और ये रेंज टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें लग गए नियर अबाउट 6 घंटे। और इस रेंज टेस्ट के दौरान जब गाड़ी ने 60 किलोमीटर्स पूरे कर लिए थे, तो हमने इसका मीटर भी चेक किया था, तो नियर अबाउट उसमें 70 किलोमीटर्स और शो कर रहा था डिस्टेंस टू MT के लिए। हमने गाड़ी को डिफरेंट रोड कंडीशंस और ट्रैफिक कंडीशन में टेस्ट किया, और इस गाड़ी ने एक सिंगल चार्ज में 121 किलोमीटर्स की रेंज हमें दी, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप मान सकते हैं। रेंज टेस्ट में ड्राइविंग बिहेवियर एंड रोड कंडीशंस काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे कि आप कितना एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी में कितनी ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हैं, इन जैसे कई सारे फैक्टर्स का रेंज पर असर पड़ता है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल देख रहे हैं, तो आपके लिए टाटा मोटर्स की SEV काफ़ी बड़ी ऑप्शन हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए SEV को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 15 मार्च 2024 से पहले इसे आप खरीद लीजिए, क्योंकि 15 मार्च 2024 के बाद FAME II सब्सिडी बंद होने वाली है। टाटा SEV पर 2,13,000 रुपये तक सब्सिडी ऑफर की जा रही है, तो SEV खरीदने की प्लानिंग हो तो जल्दी खरीद लीजिए, इसमें आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे।